नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपके आवाज, आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इन दिनों जमकर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। कभी 17 सालों तक चोली दामन का साथ निभाने वाले दोनों ही दलों के राजनेता गठबंधन टूटते ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। नीतीश कुमार ने जहां नरेंद्र मोदी रूपी हवा को न बहने की कसम खाते हुए एनडीए गठबंधन से तौबा कर ली, वहीं बीजेपी के बड़े नेता इसे नीतीश के अल्पसंख्यक वोट बैंक के स्वार्थ परक राजनीति करार दे रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि बिहार में अपना वोट बैंक बचाने के नाम पर नीतीश ने 17 सालों पुरानी दोस्ती के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और रही सही कसर गठबंधन टूटने के बाद निकाल रहे हैं। बीजेपी के नीतीश पर विधायकों के अधिकतर पर कुठाराघात करने का भी आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू ने भी भारतीय जनता पार्टी की जमकर क्लास ले ली है। शिवानंद तिवारी ने तो यहां तक कह डाला कि जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी इतना उछल रही है, उसके प्रधानमंत्री बनने से देश का माहौल खराब हो जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बहाने बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। बहरहाल बीजेपी जेडीयू के बीच वाकयुद्ध लगातार जारी है और इसी पर है हमारी आज की पेशकश, बीजेपी जेडीयू की जंग। राजनीति में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। पहले बीजेपी जेडीयू के बीच 17 सालों तक दोस्ती चली और जब स्वार्थ हावी हो गया तो वही दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और अब जमकर भड़ास निकाली जा रही है। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं और नरेंद्र मोदी को देश के लिए घातक बताते हैं, तो वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जेडीयू के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं। मतलब साफ है कि कभी 17 सालों तक एक दूसरे के साथ गलभैया भरने वाले दोनों ही दलों के ये राजनेता आज एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कहीं ये भी इनकी राजनीति का तो हिस्सा नहीं? देखिए ये रिपोर्ट। 17 सालों का साठ टूटने के बाद अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है। कल तक एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करने वाले राजनेता आज एक दूसरे पर छींटाकशी करने में जुटे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर आग उगली। बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गए शिवानंद। उन्हें लगता है कि इस देश की जनता का विवेक जो है समाप्त हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी को देश का बागडोर जो है सौंपेगी, इसकी हमको कतई उम्मीद नहीं है। लेकिन गलती से भी ऐसा अगर होता है तो देश का अमन चैन खत्म होगा, देश में और स्थिरता का माहौल पैदा होगा, देश में टूटन की स्थिति है। वहीं शनिवार को झारखंड पहुंचे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत हो गई है, इसी वजह से वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली। चुनाव के राजनीति के लिए उनको जो राजनीति करना है वो जरूर करें, परंतु वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ऐसे आरोप ना लगाए। शायद उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत हुई होंगी और इसलिए वोट बैंक के राजनीति के लिए वो ऐसी बात कहते होंगे। इधर बिहार बीजेपी भी नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसने में जुटी है और गठबंधन टूटने के बाद से सरकारी योजनाओं में पक्षपात बरतने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि सीएम विधायकों के अधिकारों में लगातार कटौती करने में जुटे हैं। बहरहाल देखना ये है कि बीजेपी और जेडीयू की इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और कौन हारता है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों दल एक दूसरे पर तीखा हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी इस जंग में जीतेगा कौन, सवाल ये है कि आखिरकार ये दोनों दल ऐसा क्यों कर रहे हैं जो 17 सालों तक एक दूसरे का साथ निभाते रहे, अब आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि ये लोग लड़ाई करने पर आमादा हो गए हैं और वो भी छिछली छिछोरी राजनीति के जरिए सबके सामने लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष मढ़े जा रहे हैं, व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे हैं।
चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अफजल शमसी साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आजमी बारी साहब कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले शमसी साहब, आपसे क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़ गए हैं आखिरकार नीतीश कुमार और उनके सारे के सारे नुमाइंदे लगातार उनको पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्र के लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता से घबरा गए, और दो वजह है उसकी। एक वजह तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और पिछड़े वर्ग से आने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में इतना उभर करके वो आए हैं, और देश में जो है उनकी लोकप्रियता से उनको लोग देखना चाहते हैं। अब जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करके मुसलमान को टकराव के रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो उनका तो कार्ड ख़त्म हो रहा है। वो देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जो बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति पर एक ऐसे नेता आए हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, जिससे घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, और उसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरी बात बोली जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो जमीन की दूसरी बात कहाँ बोली जा रही है? साफ तौर पर तो कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी। आरोप लगाया है जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने लगाया कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली स्थिति हमारे देश में हो जाएगी, वो अल्पसंख्यकों के दुश्मन है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। बहुत सारी बातें, उनकी जुबान जो है इतनी खराब है, इस तरह की बातें यहाँ पर कही हैं। देखिए, सरासर ये बात जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है जी। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो वो मुसलमान को टकराव के रास्ते पर लाने की बात करते हैं, और ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों की वजह से इस देश का विभाजन हुआ था। आज ये लोग जिस प्रकार के अपीजमेंट की और तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, और जो जेडीयू के प्रवक्ता ने बयान दिया है, इनके बयान से कुछ होने वाला नहीं है। इनके बयान को हिंदुस्तान तो मैं नहीं बोलूँगा, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में जो भी अगर आपके टीवी के माध्यम से सुन रहे होंगे अखिलियत भाई के लोग, तो इनके बयान को खारिज कर दें, बिहार के लोग खारिज कर दें। इनके सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि कौन सेकुलर है और कौन कॉमनल है। इन्होंने अपने गरिमा में झांक के देखा है। ये ज़मीर की बात करते हैं, इनके अंदर ज़मीर है? इनके अंदर तो जमीर ही नहीं है, और ये जमीर की बात चलिए आज हैं। आज इन्हें अपने गरिमा आज आपको जमीर की याद आ रही है। बारी साहब से हम पूछेंगे, आजमी बारी साहब, इतनी देर लग गई अफजल शमसी साहब को याद करने में जमीर की, 17 सालों तक तो इनके साथ थे, मतलब जमीर सोया हुआ था उस समय जेडीयू के साथ थे। इसका सही सवाल तो का जवाब तो अफजल शमसी साहब दे सकते थे कि 17 साल में क्यों जागे, एक बात जी। दूसरी बात ये कि बीजेपी जेडीयू की जंग, कांग्रेस उसमें कहाँ है जी। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो बीजेपी जेडीयू की जंग की बात कर रहे हैं, तो जो शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे पर वान शब्दों का वान चला के घायल करने की जो कोशिश हो जा रही है, तो राजनीति में मर्यादा रखनी चाहिए, कोई भी हो मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन मर्यादा का पालन कौन करता है? जो मर्यादित व्यक्ति होता है, जो संस्कारी व्यक्ति होता है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो मर्यादा है ना संस्कार है। जब संस्कार नहीं है तो वो संस्कारी शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? आप ही के इसी स्टूडियो में इसके पहले जब लोग आते थे तो ये कहते थे कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मैं मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और उसके बाद मोदी नहीं रहेंगे तो वो पार्लियामेंट नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर करके और इस तरह के अब शब्द का प्रयोग करके एक दूसरे को घायल करने की जो राजनीति हो रही है, उसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। दूसरी चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अभी पार्लियामेंट 14 का होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के चुनाव की बात हो रही है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश में प्रधानमंत्री है, आगे भी वैकेंसी नहीं होने वाली है, लेकिन इन लोग उस तरह से आपस में मारामारी करते हैं जिस तरह से सड़कों पर एक ऐसा जानवर रोटी के लिए मारामारी करता है, उस तरह की मारामारी ये लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री पद का एक पद है और उसके लिए 25 नेता वहां सामने खड़े हो गए हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई सलाहियत नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब इनके यहाँ पार्टी में 5-7 नाम बदाबते एक दो आ रहा है, और
अटल जो लेकिन देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा में कौन करता है। आप जो अभी नए अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के या उसके साथ साथ जो कंपेन कमेटी के चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने ये भी भूल गए कि मेरे अभिभावक कौन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को किसने बना दिया है। तो वो आदमी, वो नेता जो अपने अभिभावकों को भूल जाए और अपने अभिभावकों पर उंगली उठाए, उसको क्या राइट बनता है देश में राजनीति करने का और उसके प्रधानमंत्री पद का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर शमसी साहब इसका जवाब देना होगा। अभिभावकों पर या नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा वर्ड मिल गया, अगर आप याद रखेंगे जब भी उनसे बात कही जाती है कि भाई आपने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी क्यों की या इस तरह की बात, साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि जो लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते वो हमसे क्या बात करेंगे, हमको क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए ये तो खुद गरिमा में झांक के देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बुजुर्गों का अपमान किए हैं वो कि सम्मान किए हैं। माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को किस तरह से जलील किया गया, ये तो उनको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी विद ए डिफरेंस है, पार्टी विद ए मिशन है, पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक आदमी वन मैन शो पे नहीं चलती है कांग्रेस की तरह कि वहां से निकला कोई बात और वो लागू हो गया। हमारे यहाँ परिवार का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, हमारे यहाँ अनेकों प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के लोग हैं। लेकिन जब परिवार के अंदर हमारे यहाँ तय होता है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी है और परिवार का कंसेप्ट है। चलिए इंटरनल डेमोक्रेसी इनकी जो है गोवा में कैसी दिख रही थी ये बताएं आप शमसी साहब। जो है नहीं एक सेकंड पूरी बात बोलने दीजिए, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए, आप पूरी बात बोलने नहीं दे रहे हैं। चलिए नहीं ऐसा नहीं है ना बारी साहब, एक मिनट इनको पूरी तरह से मौका दिया जाए बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात कह रहे थे कि भारतीय जनता है, नहीं नहीं गमजदा की बात नहीं है, सुन लीजिए एक बात आप जान लीजिए कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। अगर हमें अगर हम क्या इस तरह की स्थिति में विकल्प है, इसलिए विकल्प है कि इस देश के अंदर यहाँ की जनता भ्रष्टाचार से घोटाले से त्राहिमाम कर रही है। और आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे ना बारी साहेब। चलिए एक बहुत कड़ी बात आपसे कहता हूँ, बहुत कड़ी बात आपसे कहता हूँ बारी साहब, शमसी साहब एक बहुत कड़ी बात कहता हूँ। जिस आदमी की हवा बहाकर आप लोग इतनी ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी साहब के नाम से जानते हैं, जो कि खुद पहुंच गए उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई दौरा करने के लिए, आपको पता है गुजरात कैसा राज्य है, गुजरात में क्या पैसों की कमी है, गुजरात देश के बहुत अमीर राज्यों में गिना जाता है। बिहार सरकार ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है राहत कोष से देने की, झारखंड सरकार ने की है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो वो तो खैर खुद त्रस्त है, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने कितना दिया पता है 2 करोड़ रुपए। ऐसा है कि मैं क्या बोलूं, यहाँ बिहार के माननीय जो अभी जेडीयू की सरकार है अपना कॉल नंबर भी सबसे लेट में दी है, वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया, सभी स्टेट के नंबर आ रहे थे और बहुत बाद में बिहार के जेडीयू के नेता बारी साहब इसे राजनीति नहीं माना जाए कि 2 करोड़ रुपए साहब आप देते और आप हवाई यात्रा करते हैं वहां जाकर। आप जब भी कोई सवाल करेंगे उसका सीधा जवाब वो नहीं देंगे। उनसे आपने पहला सवाल किया कि 17 सालों के बाद आपका संस्कार क्यों जाएगा, आपकी नींद क्यों टूटी, कुंभकर्ण के तरह आप क्यों सोए थे, सब करप्शन हो रहा था बिहार में आप देख रहे थे, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अभी आपने एकदम छोटा सा सवाल पूछा कि भाई बिहार ने इतना दिया, झारखंड ने इतना दिया, दिल्ली ने इतना दिया, आपने 2 करोड़ क्यों दिया, उसका जवाब नहीं है तो कह रहे कॉल नंबर या दूसरे को झांक रहे कि कॉल नंबर लास्ट में जा। अरे भाई आपने साफ साफ एक्सेप्ट नहीं कर लीजिए कि मेरे पार्टी के लीडर में विल पावर इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए वो देश के लोगों से मोहब्बत नहीं करती है, वो देश में के लोगों को काटने और छांटने का काम करती है। ये सच्चाई नहीं है? काट के राजनीति करने वाले लोग गर्दन बचाने का काम कभी कर सकते हैं क्या? आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं उस व्यक्ति से जो व्यक्ति गुजरात में गर्दन काटने का काम कर रहा है उत्तराखंड में जाके गर्दन बचाने का काम करेगा? वो तो राजनीति करने के लिए हेलीकॉप्टर से गया है वहां पर, इसलिए उस व्यक्ति से जो राजनीति करता है इस देश में लाशों पर सियादत करने वाले मुल्क की क्यादत नहीं कर सकते हैं, यह बात तय है। और जो आदमी गुजरात में गर्दन काटने का काम किया है वो उत्तराखंड में गर्दन बचाने का काम नहीं कर सकता, वो दिखाने के लिए राजनीति करने के लिए वहां गया है। शमसी साहब को चाहते हैं जवाब दे, ऐसा है क्यों दिया? ऐसा है कि ये बता रहे हैं कि कौन कॉमनल है इस देश के अंदर, 60 साल तक हुकूमत रही है कांग्रेस की। और नहीं सवाल का आप छोड़िए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए अपनी बात, मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ कि आप जिसको बोल रहे हैं सांप्रदायिक है, इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई सांप्रदायिक पार्टी है तो कांग्रेस है।
इस देश को अगर तोड़ने का काम करती है तो कांग्रेस करती है, इस देश के अंदर अगर आतंकवाद को बढ़ावा देती है तो कांग्रेस करती है, इस देश बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के मुसलमानों का अपीजमेंट किया है, तुष्टिकरण किया है, उनको टकराव के रास्ते पर लाया है। क्या नीतीश ने नहीं किया? इस देश के अंदर जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए हैं। क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया ये काम? नीतीश कुमार ने बिहार में ये काम नहीं किया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपको 17 सालों तक याद क्यों नहीं आई? ये बात आपको गठबंधन टूटने के बाद क्यों याद आई? इसलिए कि भाजपा के रहने की वजह से हम सबका विकास चाहते हैं, और सबका जब विकास चाहते हैं तो अकलियत का भी विकास चाहते हैं, हम समाज के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास चाहते हैं, और जब सबका विकास चाहते हैं तो चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हम सबके विकास की बात करते थे। लेकिन जब उनकी सारी राजनीति उसी पॉइंट पर चली आई कि हम तुष्टिकरण के आधार पर मुसलमान का एकमात्र वोट को ले सकते हैं, गलत फहमी में है, इस देश का, इस राज का मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, किसी सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं देगा, उनकी भावनाओं को जगाने के काम करने से नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा अगर मुसलमानों की बात की जाती है, बोलिएगा इस देश के अंदर, हम सब पूछ रहे हैं, मुझे कंक्लूड करना चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है, देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है मुसलमानों का, अकलियतों का। और आज अगर मुसलमान, मैं अकलियत की ही बात करता हूं, केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत रही, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर पिछड़ा हुआ है तो इस देश में क्या भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थी। पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास नहीं होता है कि जब वो बोलते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम टीवी चैनल पर बोल रहे हैं और देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की लज्जा भी नहीं आती है कि वो अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, उत्थान के बारे में, प्रगति के बारे में। चलिए, लेकिन हम विषयांतर यहां पर न करें बारी साहब, हम यहां पर जनता को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो परिस्थिति है, जेडीयू के महासचिव शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के बहाने बीजेपी पर जमकर सियासी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता उस वक्त कहां थे जब पटना में नरेंद्र मोदी का भोज कैंसिल किया गया था। अगर गठबंधन टूटा है तो उसकी वजह कट्टरता है। आपको नहीं होता है, आप उसके अंदर बहुत गुस्से के साथ रिएक्ट करते हैं। आप उस समय कहां थे जब नीतीश कुमार ने उनका वोट कैंसिल कर दिया था? आप उस समय कहां थे जब नीतीश कुमार ने 5 करोड़ रुपया उसी राहत के लिए भेजा था, उसको लौटा दिया था? ये तीसरा चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद अचानक जो है आपके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति इस तरह का भाव पैदा हुआ कि आप कैबिनेट के मेंबर हैं और आप जो है जिसके कैबिनेट में मेंबर हैं नीतीश कुमार, कैबिनेट में उसका आपको बहा सुना लगे, मजाक उड़ा लगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, हम जो है कट्टरता के खिलाफ, वो कट्टरता किसी भी समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो, मुसलमान समाज में हो, ईसाई समाज में, हम कट्टरता के खिलाफ। एक नहीं दर्जनों ऐसा, संजय जोशी के साथ क्या हुआ, किस तरह से सेक्स सिटी बंद बना, किस तरह से बाद में फोरेंसिक टेस्ट में वो सेक्स सिटी जो है डॉक्टर निकला, किस तरह से हरण पंड्या के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया उसकी पत्नी ने, उसके बाप ने, आप तो मर गए। यहाँ साफ तौर पर जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने आग उगली है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खुद आएंगे हम आपके पास अफजल शमसी साहब, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि 2002 में जो दंगे हुए थे उस समय गुजरात में, उस समय जो स्थिति पैदा हुई थी, उस समय में जिस तरह से खिलवाड़ किया गया था वहाँ अकलियतों के साथ, वो बात आज आपको याद नहीं आती है? जो बातें यहाँ पर खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं जेडीयू के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी आ जाए तो राष्ट्रीय उन्माद भड़क सकता है अगर वो प्रधानमंत्री बने, क्या वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। जो लोग आज नरेंद्र मोदी जी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने अपने चैनल के माध्यम से देखिए कि 2003 में जब माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री थे, तत्कालीन रेल मंत्री थे,
उनके भाषण को देखिए और उनके भाषण में साफ लिखा हुआ है कि गुजरात तरक्की कर रहा है, गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, गुजरात में पर कैपिटा इनकम बढ़ा है और आज जरूरत है भाई नरेंद्र मोदी को कि वह गुजरात की सीमाओं से निकलकर देश की सीमाओं में जाए। आज मैं उनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त कहां थे, उस वक्त जो ये बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कॉमनल हैं, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, आज जो ये बात कर रहे हैं उस वक्त इनके दिमाग में कहां था? पार्टी अच्छी व्यक्ति खराब ऐसा नहीं होता है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। उन्हें अपने गरिमा में झांक करके देखना चाहिए। आपने भी टीवी चैनल के लेकिन 17 साल आपने इंतजार किया, अब आप ठीक है 17 सालों तक आपने इंतजार किया, अब आप पानी पी पी कर जेडीयू को कोस रहे हैं, पहले क्यों नहीं कोसा जब सरकार में थे तब? अभी यहाँ पे देखिए ऐसा है कि बिहार में एनडीए को जनादेश मिला था जी, और आरजेडी के जंगल राज के खिलाफ जो जन भावना थी, जन आकांक्षाओं के रूप में एनडीए को समर्थन मिला था और एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी थे जी। सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, उस जंगल राज के खिलाफ जो 15 साल से बिहार के अंदर में था, लोग त्राहिमाम थे और एनडीए को जब समर्थन दिया तो आज आप साहब, आपको पहले अगर आप जमीर की बात करते हैं तो आपको रिजाइन करना चाहिए था पहले एनडीए के मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि एनडीए ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आप जमीर की बात करते हैं इसलिए आपको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। प्रवक्ता साहब जेडीयू के बोल रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी सांप्रदायिक हैं, इससे कट्टरता पैदा होगी, इससे देश टूटेगा। उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि 2003 में वही नरेंद्र भाई मोदी के कसीदे पढ़े गए थे, उनकी तारीफ की गई थी, उनके स्टेट की तारीफ की गई थी और यह बोला गया था कि भाई नरेंद्र मोदी को आज देश की सेवाओं की जरूरत है। आपको वो सीडी बहुत अच्छी तरह से याद है, व्यक्ति का सवाल नहीं है जी। सवाल यह पैदा होता है कि यह व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह सवाल है वोट बैंक की राजनीति। अगर गुदगुदी दिल में हो रही है कि भाई कुछ हो जाएगा, चलिए सब कुछ तो अच्छा रहे यही हम भी मानते हैं शमशी साहब, आपकी पार्टी भी बहुत अच्छा करे, लेकिन गोवा की जो टूरिज्म वाली बात है जो गोवा में उस समय में हुआ था, आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, वो किसी से छुपा नहीं किस तरह से आडवाणी साहब नाराज हो गए, किस तरह से भुवन चंद्र खंडूरी नाराज हो गए, उमा भारती नाराज हो गई, किस तरह से अरुण जेटली नाराज हो गए, सुषमा स्वराज नाराज हो गई, और इतनी लोगों की नाराजगी के बाद भी आखिरकार मौका मिला यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को जो है चुनाव कार्य समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। बहरहाल सवाल आपसे भी है आजमी बारी साहब यहाँ संक्षेप में कि ये क्या है, किस तरह की का ध्रुवीकरण है, किस तरह की तुष्टीकरण की ये राजनीति है कि शुरू में तो आप गलवहियाँ डालते हैं और बाद में जो है जब अलग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अलग राग आला अपने लगते हैं। अफसर शमशी साहब जब बोल रहे थे तो बार बार शिवानंद तिवारी जी पर बोल रहे थे कि उनको गिरेवान में जाके देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो मैं तो अफसर शमशी साहब से कहूँगा कि पहले उनको भी गिरेवान में जाके देखना चाहिए था कि वो जो अभी बातें बोल रहे हैं के सरकार के बारे में कि सरकार में जंगल राज था, इसलिए जंगल राज से हटाने के लिए, तो लालू यादव का जो 15 साल का शासन था उस 15 साल में 8 साल नीतीश कुमार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो इनको अपने सत्ता की लालच में उस व्यक्ति को अपना नेता मान लिया जो उस जंगल राज का पार्ट एंड पार्शियल था जी। और उसको लाके अपना नेता बना लिया और उस नेता ने उस जानवर की रोटी फेंक दी, सत्ता की रोटी फेंक दी और इन लोग झपटे रोटी के ऊपर और अपना अपना मंत्रालय लेकर बिहार को लूटने का काम करना शुरू कर दिया। अभी इसके पहले ये बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ परिवारवाद नहीं है, हम लोग यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, और गोवा में कलेक्टिव लीडरशिप कैसी हो रही थी कि पूरे जितने वरिष्ठ नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे सब नाराज थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, उन एक दूसरे को आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे और उस तरह तीर चला के शब्दों का तीर चला के एक दूसरे को नेताओं को घान कर। आप तो यहां कह रहे हैं जेडीयू बीजेपी की बात, आप जेडीयू बीजेपी की बात क्यों कहते हैं? बीजेपी के अंदर जो जो शब्दों का वान चला है और जिससे एक दूसरे घायल है उससे फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं तो समय की बहुत कमी है, जल्दी से दोनों अपनी बात करना चाहता हूं। आप जेडीयू बीजेपी की जंग की बात कर रहे हैं, यहां तो बीजेपी के अंदर जिस तरह के शब्दों के वान चले हैं और एक दूसरे को घायल किया गया है अपने अभिभावक को आज अपने। नहीं लेकिन नीतीश प्रेम तो आपका भी जाग गया है, चार विधायक सपोर्ट कर दिया है, अभी हाँ। क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने 17 साल तक उनका डलवत किया जी हुजूर प्रणाम, जी हुजूर प्रणाम, और उनके नेतृत्व में मैडम का जो आदेश होगा ना वो देश के प्रधानमंत्री और हमारे। चलिए इस चर्चा को चलिए बारी साहब शमशी साहब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, समय के हमारे पास कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप दोनों ने भारी साहब चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आर्यन आपके आवाज में फिलहाल इतना ही। और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जिस तरह की लड़ाई मारपीट हो रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच और जिस तरह से लगातार व्यंग्यबाण कसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ दर्शाता है कि भारत में राजनेता किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और स्वार्थ की राजनीति यहाँ हमेशा हावी रहती है। आर्यन आपकी आवाज़ में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।